एक्सलेंस फैमिली में मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी में बैंक रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बीआरएस का बैंक रिकॉन्सिलिएशन का बेसिक समझ लिया, टाइमिंग डिफरेंस समझ लिया और एरर से क्या डिफरेंसेस आते हैं वो समझ लिया। अगर आपको बीआरएस के बेसिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं जिनकी लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। एक्चुअल में दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैशबुक और पासबुक का मैच करना होता है। तो हम कैशबुक को अगर लेकर चलेंगे तो हमें पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा, और पासबुक को लेकर चलेंगे तो कैशबुक का बैलेंस मिल जाएगा। तो हमें एक बुक को लेकर चलना होता है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको कैशबुक को लेकर चलते हैं तो क्या होता है वो समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में पासबुक लेकर चलते हैं तो क्या होता है वो समझाऊंगा। एक्चुअल में कैशबुक में भी दोस्तों, कैशबुक में भी दो तरह के बैलेंस होते हैं। कैशबुक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कैशबुक का डेबिट बैलेंस बैंक बैलेंस होता है, ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था बैलेंसेस क्या कैसे होते हैं, आपको प्रॉब्लम है आप तो देख सकते हैं। और क्रेडिट बैलेंस बताता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों तरह के बैलेंसेस आपको बताए जाते हैं। तो एक जो भी होगा, या तो बैंक बैलेंस होगा या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, तो हमें एक बैलेंस लेकर चलना होता है। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैंने लिया है, इस एग्जांपल के हिसाब से हम समझेंगे कि किस तरह से हम बीआरएस बनाए। ये जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं कैशबुक के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, और पहले मैं बैंक बैलेंस का एग्जांपल लूंगा, उसके बाद मैं आपको ओवरड्राफ्ट का एग्जांपल भी लेकर बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन एज पर बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस लेकर चलते हैं अगर कैशबुक के अकॉर्डिंग तो क्या होता है। From the following particular of Mr. Vinod, prepare bank reconciliation statement on March 31st, 2017. दोस्तों इसमें डेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस डेट को आप BRS बना रहे हो। क्योंकि सपोज हम 31st of March को BRS बना रहे हैं तो 31st of March तक का हमें पासबुक चाहिए या फिर बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और 31st of March तक की हमें कैशबुक चाहिए। जिनको दोनों को हम मैच करेंगे तो हम एक BRS के फॉर्मेट पे बात कर लेते हैं। ये रहा आपका फॉर्मेट, सॉरी पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम। देखिए दोस्तों ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, तो यह डेबिट क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं है, तो एक स्टेटमेंट है। तो हम बीआरएस का एक स्टेटमेंट बनाएंगे। अब इसमें सबसे पहले हम बैलेंस जो हमें दिया हुआ होगा वो लेकर चलेंगे। हमें बैलेंस क्या दिया है दोस्तों, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक ₹50,000। तो हम कैशबुक के अकॉर्डिंग तो लेके चल रहे हैं, तो यहां लिख देंगे अपन बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस लेकर चल रहे हैं अपन 50। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने 50 प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास बैंक बैलेंस था। देखो डेबिट क्रेडिट बैलेंस से आप प्लस में माइनस में नहीं लिखते, क्योंकि जो डेबिट बैलेंस कैशबुक का है वो तो आपको बैंक बैलेंस बताएगा, लेकिन पासबुक का डेबिट बैलेंस तो आपको ओवरड्राफ्ट बता देगा। तो आप डेबिट क्रेडिट के हिसाब से प्लस माइनस नहीं लिखते हो। आपका अगर अकाउंट होल्डर का फेवरेबल बैलेंस है, मतलब अकाउंट होल्डर का पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, इट मींस बैंक बैलेंस है तो प्लस में आएगा, चाहे वो कैशबुक शो कर रही हो चाहे वो पासबुक शो कर रही हो। और ओवरड्राफ्ट अगर दिया हुआ है तो माइनस में आएगा, चाहे वो कैशबुक शो कर रही हो चाहे वो पासबुक शो कर रही हो। इसलिए मैंने बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक प्लस में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6,000। चेक इश्यू तो कर दिया पर प्रेजेंट नहीं किया गया अभी। अब चेक इश्यू नॉट प्रेजेंटेड का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारा बिजनेस, बिजनेस ने किसी क्रेडिटर को चेक दे दिया 6,000 का। अब 6,000 का जैसे ही चेक देगा ये कैशबुक को तो माइनस कर लेगा, लेकिन इस बंदे ने अभी बैंक में मतलब कि पासबुक में ये चेक नहीं दिखाया, तो इससे कैशबुक तो आपकी माइनस हो गई लेकिन पासबुक माइनस नहीं हुई। हम कैशबुक लेकर चल रहे हैं तो कैशबुक अगर डिडक्ट हो गई थी, सपोज 50,000 इधर भी था, 50,000 पासबुक भी बता रहा था, तो जैसे ही हमने 6,000 का माइनस किया, 6,000 का चेक दिया, इधर से तो 6,000 माइनस हो गए लेकिन इधर से नहीं हुए, तो 6,000 हम वापस कहां कैशबुक में ऐड कर देंगे। इसलिए हम चेक नॉट प्रेजेंटेड को ऐड करते हैं, और ये चीज पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। तो फर्स्ट इसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है चेक नॉट
प्रेजेंटेड, चेक नॉट प्रेजेंटेड 6000 है, 6000 आप ऐड कर लीजिए। नंबर दो पे दोस्तों, द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 8000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वॉज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने आपका डिविडेंड डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया, डिविडेंड मतलब किसी कंपनी में आपने पैसा डाला हुआ है, शेयर खरीदे हुए हैं, आपके बिजनेस ने किसी कंपनी में शेयर खरीदा हुआ है, ये रहा आपका बिजनेस और इस कंपनी में आपने शेयर खरीदा हुआ है, तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड डाल देती है। शेयर के बदले में कंपनी जो देती है प्रॉफिट का पार्ट, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनी ने डायरेक्ट बैंक में डाल दिया, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है तो बैंक में डाल दिया, तो आपकी पासबुक तो बढ़ गई, कैशबुक नहीं बढ़ी, तो हम कैशबुक लेके चल रहे हैं, पासबुक बढ़ी हुई है, कैशबुक नहीं बढ़ी, तो कैशबुक को आप बढ़ा दीजिए। तो इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट, सॉरी आप इसके स्टेटमेंट में लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कितना डिविडेंड कलेक्ट किया है 8000, तो 8000 क्योंकि पासबुक में ऐड हो गया, कैशबुक में ऐड नहीं हुआ, तो कैशबुक में वापस ऐड कर दिया अपन ने। नंबर तीन, बैंक चार्जेस 400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैशबुक। बैंक चार्जेस, बैंक ने आपका पैसा काट लिया। देखो भैया, बैंक जब चार्जेस काटेगी, कोई एसएमएस चार्जेस काटा या चेकबुक के लिए आपसे मेंटेनेंस चार्जेस काटा, एटीएम चार्जेस काटा, कोई भी चार्जेस काटा है, तो बैंक आपको घर पे तो बोलने नहीं आएगी भैया चार्जेस दो, बैंक तो आपके खाते से डिडक्ट कर लेगी। तो बैंक ने अमाउंट खाते से डिडक्ट कर लिया, पर उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक कैश में नहीं है, कैशबुक में नहीं है, इसका मतलब पासबुक कम हो गई, कैशबुक कम नहीं हुई, तो कैशबुक को अब हम कम कर देंगे, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितने कम हुए हैं पासबुक से 400, तो कैशबुक से भी हम कम कर देंगे 400। इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन है दोस्तों, अ चेक फॉर रुपीज 6000 वाज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट किया आपने, ये हमारा बिजनेस, बैंक में चेक डिपॉजिट किया कितने का, 6000 का, जैसे ही हम चेक बैंक में भेजेंगे कैशबुक को तो बढ़ा लेंगे, क्यों बढ़ा लेंगे, जैसे हमने चेक भेजा, चेक बैंक में भेजने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन, अगर चेक पहले से आ गया था तो बैंक अकाउंट बढ़ा लिया, मतलब कि आपने तो अपनी कैशबुक को बढ़ा लिया, लेकिन अभी तक बैंक ने आपके खाते में पैसा नहीं जोड़ा है, तो पासबुक कम है, कैशबुक बढ़ गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैशबुक को भी कम कर लेंगे, चेक नॉट कलेक्टेड, चेक नॉट कलेक्टेड के नाम से 6000 को हम माइनस कर लेंगे। तो अब दोस्तों हमारे पास चारों ट्रांजेक्शन हो गए, मैंने बिल्कुल बेसिक से ट्रांजेक्शन लिए हैं जिससे आप केवल ये समझ जाए कि बैंक बीआरएस कैसे बन सकता है। आपको किसी ट्रांजेक्शन में, किसी भी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। वैसे ये ट्रांजेक्शन इनके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज प्लस होगी, कौन सी चीज माइनस होगी, क्यों प्लस होगी, क्यों माइनस होगी। अब इसके बाद हम इसकी टोटल लगा लेते हैं दोस्तों, टोटल में जैसा बैलेंस लगाते हैं वैसे ही लगाना है आपको। ये देखिए प्लस प्लस आइटम में आपके पास क्या क्या है, प्लस आइटम में 50000 है, 6000 है और 8000 है, तो ये हो गए आपके 64000 तो आपको प्लस आइटम बताता है, और माइनस आइटम क्या बताता है आपको, 6400 माइनस आइटम बताता है। इसका मतलब 64000 प्लस आइटम में, माइनस आइटम में 6400, तो इन दोनों को, इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं 57600। इसको हम बोलेंगे या तो हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोल सकते हैं या केवल बैंक बैलेंस एज पर पासबुक बोल सकते हैं, क्योंकि हम क्या चले थे, लेकर चले थे हम डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कैसे लेकर चले थे, इस तरह से, क्योंकि हम कैशबुक का बैलेंस लेकर चले थे, बैंक बैलेंस तो वो लेकर चले थे, तो हमारे पास पासबुक का कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस, और जरूरी नहीं है क्रेडिट बैलेंस ही है, पासबुक का डेबिट भी आ सकता है। टोटल अगर बड़ी प्लस आइटम की है तो इसको हम कहेंगे डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आप कैशबुक लेके चले थे, अब क्या है, आपके पास पासबुक का बैलेंस आएगा, तो अगर प्लस का बैलेंस आया, अगर प्लस का बैलेंस आया तो वो होगा आपका
क्रेडिट बैलेंस या बैंक बैलेंस ऑफ पासबुक, और अगर माइनस का बैलेंस आया तो उसको आप कहेंगे डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये तो हुआ दोस्तों जब हम बैलेंस लेकर चलते हैं। अगर हम ओवरड्राफ्ट लेकर चलेंगे तो क्या होगा? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर मिस्टर विनोद कुमार, वही एग्जाम्पल है, बस मैंने यहां लिया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो हमें यहां क्या लेना है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हो और ओवरड्राफ्ट भी, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक भी लिख सकते हो। ओके, नंबर एक ट्रांजेक्शन, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब सॉरी, इसका बैलेंस मैं लिख दूं पहले। ये हमारे पास जो ओवरड्राफ्ट है, अब की बार ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट किसके अकॉर्डिंग है? कैशबुक के। तो ये रहा प्लस, ये माइनस, तो आपका डेबिट क्रेडिट मायने नहीं रखता, ओवरड्राफ्ट बैलेंस मायने रखता है। अब की बार हमें ओवरड्राफ्ट दिया है तो हम 50,000 इधर लिख देंगे, बाकी आपको कैशबुक में कुछ भी चेंज नहीं करना है। नोट प्रेजेंटेड ऐड कर रहे थे, ऐड कर लो, नोट कलेक्टेड लेस कर रहे थे, लेस कर दो, क्योंकि हमने बैलेंस को उलट दिया है। बैलेंस प्लस की जगह कहां लिख दिया हमने? माइनस में। तो अगर मैं अब भी जो प्लस कर रहा था वो प्लस ही करूंगा तो उल्टा उसका इफेक्ट पड़ेगा। आप तो कंक्लूजन सुन लीजिए कि कैशबुक अगर लेकर चल रहे हो तो ट्रीटमेंट आपके सीधे ही रहेंगे, फर्क क्या पड़ेगा अगर बैलेंस लेके चल रहे हो तो प्लस में, ओवरड्राफ्ट लेके चल रहे हो तो माइनस में। जैसे पहले था चेक नॉट प्रेजेंटेड, तो चेक नॉट प्रेजेंटेड को आप 6000 प्लस में, पहले भी हमने प्लस में लिखा। नंबर दो, डिविडेंड कलेक्टेड को हमने माइनस प्लस किया था, अभी भी प्लस कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, मतलब भी समझा देता हूं मैं इसका। जैसे ये हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस पे पहले से ही ओवरड्राफ्ट है कि 50,000 रुपए माइनस का बैलेंस है। कौन बता रहा है? कैशबुक बता रही है 50,000 रुपए माइनस का बैलेंस है, और पासबुक भी बता रही है 50,000 रुपए माइनस का बैलेंस है। अब आप अगर चेक देते हो तो चेक देने से आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, तो 6000 का चेक दिया था तो ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, ओवरड्राफ्ट कितना हो गया 56,000, पर सामने वाले ने इसको प्रेजेंट नहीं किया तो ओवरड्राफ्ट आपका कितना रहा बैंक में? 50,000 ही रहा। तो हमने जबरदस्ती हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ा लिया तो इसको माइनस करो। अब आप कहेंगे सर आप तो प्लस में लिख रहे हो, माइनस में क्या लिख रहे हो? पर भैया बैलेंस तो माइनस में लिखा हुआ है, और माइनस में अगर मैं कोई चीज इधर लिखूंगा प्लस में तो उसको तो मैं माइनस ही कर रहा हूं, तो 6000 एक्चुअल में मैं माइनस कर रहा हूं क्योंकि बैलेंस मेरा ऑलरेडी कौन सा है? माइनस का। तो कंक्लूजन ये कहता है कि आपको कोई चेंजेस नहीं करना, चाहे आप कैशबुक का डेबिट बैलेंस लेके चलो, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस लेके चलो। नंबर तीन, बैंक चार्जेस है आपके पास। दूसरा था डिविडेंड कलेक्शन, ट्रांजेक्शन तो वही है। बैंक चार्जेस था 400, तो बैंक चार्जेस को भी हम 400 माइनस में, है ना, क्योंकि बैंक चार्जेस माइनस ही करते हैं। एक इसका ये भी बता देता हूं, बैंक चार्जेस माइनस में क्यों? पासबुक में आपका ओवरड्राफ्ट बता रहा है 50,000, उसने बैंक चार्जेस और लगा दिए 400 रुपए, तो पासबुक तो 50,400 से हो जाएगी आपकी, लेकिन कैशबुक में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओवरड्राफ्ट क्या बोलेगा आपका? 50,000 ही है, तो मैंने ये 50,000 में ये 400 प्लस कर दिया, इसलिए प्लस क्यों किए? दोनों माइनस की साइड में। ओके, अगले चेक 6000 नॉट कलेक्टेड, तो चेक नॉट कलेक्टेड को प्लस माइनस करते हैं, चेक नॉट कलेक्टेड 6000 को अपन माइनस कर देंगे। अब टोटल ऑफ माइनस अगर मैं लूं 56,400 होता है और 14,000 इधर का होता है। अब आपकी कौन सी टोटल बड़ी आ रही है माइनस की? मतलब ये आएगा डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, कितना आएगा ये? 42,400 ये आपका ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, क्योंकि टोटल कौन सी बड़ी थी? ओवरड्राफ्ट की। टोटल कुछ लोग नीचे भी करते हैं ऊपर भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको तो बैलेंस दिखाना है कि ओवरड्राफ्ट आया है या बैलेंस आया है। तो ये दोस्तों बिल्कुल आसान सा प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस मैंने बताया। इसके और भी ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बता दूंगा, है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।